अपने कॉलेज डेज में, सुपरस्टार है कर्नाटका के। चल चल चल। ओहो, ये देखिए, ये तो 6 रन, जबरदस्त प्रहार, सीधे बैट से अक्रॉस द लाइन खेला, गियर बदल लिया। बड़े स्कोर की दरकार है यहाँ पे अजय। अगर आपको याद हो, भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक यादगार मुकाबला खेला था, यहाँ पे 350 रन बनाए थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 175 की एक नाबाद पारी खेली थी। ऐसा 3 डिजिट लीजिए, जैसे चल रहा है लग तो वैसे ही रहा है, लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं विनीत, एक बड़ा स्कोर यहाँ पे अग्रसर होने वाला है। कर्नाटका की फिल्म इंडस्ट्री को एक मॉनिकर दिया गया है, प्यार से उन्हें सैंडलवुड बुलाया जाता है अजय। सुदीप इस वक्त मिडिल पर मौजूद है, ये कल से अलग मैच होगा वहां पे स्पिनर्स को जो आज फाइनल खेला जाएगा। ओ बढ़िया शॉट, ये तो क्रिस गेल की याद आ गई। ओहो कमाल, वो भी बाएं हाथ के बैट्समैन है। ओ ये नो बॉल होगी, वेस्ट लेवल से काफी ऊपर, और वही इशारा एम्पायर का, लगता है गेंद अब छूट गई हाथ से और अब फ्री हिट भी मिलेगी। कहते ना कंगाली में आटा गीला, एक तो समस्या बढ़ रही है, रन इतने हो चुके हैं और उसके बाद आप ऐसी आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर। और फ्री हिट, ये मुझे लगता है मौका गवाया मनोज तिवारी ने, पर जो भी है मुझे लगता है चोट भी लग गई है। और साथ ही साथ बिहार में इन्होंने क्रिकेट के प्रोत्साहन के लिए अजय बहुत कदम उठाए हैं, और कोशिश यही रही है कि बिहार की क्रिकेट को जितना आगे ले जा सके उतना ले जाए। देखिए हुआ क्या था, अब ये अंतिम गेंद थी, फ्री हिट थी, कैच था, पर अगर कैच पकड़ भी लेते तो ऐसा नुकसान होना नहीं था बुलडोजर्स के लिए, पर ऐसा लगा जब सीम लगती है ना आपकी उंगली में तो वो कट आ जाता है और वही भार, वो जो दर्द है वो महसूस कर, तो बैटिंग ये कर पाए ना कर पाए ये भी देखना होगा। ओह इस बार टाइम इतना अच्छा नहीं कर पाए, वापस आएंगे दूसरे रन के लिए, और मैंने इनको देखा है भोजपुरी दबंग्स के लिए कुछ बहुत बढ़िया पारियां खेलते हुए, तो वो क्षमता भी एक अच्छे ऑलराउंडर है। एंटरटेनमेंट का जो मिश्रण होता है अजय, उसकी कभी कमी नहीं होती, कि जितना उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करें उतना ही मुंबई की किस्मत जागे। पर ये जो सोच है ना पुनीत राजा की, ये बढ़िया है, क्योंकि प्रयास ये करें ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी करें। ओह यहाँ पे मौका और ये विकेट, इसी की दरकार थी, बेशक वाइड है पर उसका फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे विकेट मिलेगी, सफलता मिलेगी राजा को, बढ़िया गेंदबाजी। मैं कह ही रहा था एक गेंद पहले की सही लाइन है, आप उस ऑस्टम के बाहर करेंगे फिर मुश्किल। अक्रॉस के रवैये में और एटीट्यूड में ये कितना अहम है ऐसे छोटे फॉर्मेट के लिए। मुझे लगता है विनीत जो बड़ी बात है ना, जब से मनोज तिवारी आए और नवराज आए इस टीम के अंदर, तो काफी बढ़िया संतुलन नजर आ रहा है, और ये थी विकेट जो मिली थी, मैं लाइन की बात कर रहा था। देखिए आगे आए, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लाइन मिस कर गए, पर साकिब की तारीफ करनी होगी, ये आसान नहीं रहता, काफी अभ्यास कर रहे थे, काफी परिश्रम कर रहे थे मुकाबले से पहले, और ये देखिए डिलाइट, जानते हैं उस विकेट का महत्व, क्योंकि डेंजर नजर आ रहे थे प्रदीप, डेंजर मैन जैसे बड़े शॉट लगा रहे थे। ओह ये बेहतरीन टाइमिंग, और यहां पे 4 रन, 2 खिलाड़ी थे डीप में और उनको भेजते हुए बेहतरीन शॉट। और एक और चीज जिसकी दरकार थी वो एक बात, सुदीप बड़ी जबरदस्त क्षमता है, गेंद हवा में थी, हाथ भी लगा पर वापस आएंगे दूसरे रन के लिए, बढ़िया दौड़, काफी असर, काफी अब इस गति से योगदान जो रहा है अभी तक वो काफी अच्छा रहा है, और ये अच्छा शॉट ऑन साइड की तरफ, और क्या फील्डर इसको इंटरसेप्ट कर पाएंगे, नहीं, ये एक वेलकम बाउंड्री। 8 ओवर्स बीत चुके हैं, 101 पर 3 उसके बाद से बॉलीवुड रॉयल्टी में आ गए हैं। थोड़ी तेज गति से गेंदबाजी करने का प्रयास करें अपूर्व लाखिया, कई बार हमने देखा है T20 में तो थोड़ा सा फ्लाइट भी करते हैं, पर यहां केवल 2 ही ओवर है यहाँ पे, तो थोड़ा तेज गति से और जो क्रीज का कोना है वहां से थोड़ा गेंद को एंगल कर रहे हैं। अपूर्व लाखिया सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि अपना टैलेंट हॉलीवुड में भी बिखेर चुके हैं, और ये अच्छी शॉट और वेलकम बाउंड्री चंदन के लिए। कुछ ऐसी चुनिंदा हॉलीवुड मूवीज हैं जिन पर इन्होंने काम किया, और ये वाइट बॉल, कीपर को मालूम नहीं कि बॉल कहां गई, और अ रनलेस बॉल, अ वेलकम साइन। जो पिछली विकेट मिली थी अब प्रदीप की, बहुत बढ़िया कलेक्ट किया, बहुत जल्दी बीएच को निकाला,
ओह वापस आ जाते दूसरे रन के लिए, बॉल बॉल बचे, डाइव लगाई अंत में, एसटी के लिए खेलते थे और आज चोटिल हो ये कोशिश करी बड़ा शॉट खेलने की पर मुमकिन ना हो पाया। 9 गेंदे बची हैं इस पारी में और 100 का ऑलवेज रिमेंबर डेविड शेपर्ड फॉर दैट फेमस हॉप ऑफ हिज व्हेन स्टैंडिंग एट द बॉलर्स सीसीएल टी10 ब्लास्ट पावर्ड बाय भारती सीमेंट और इस सिंगल लेने में कामयाब। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 112 पर 3 और बहुत दिलचस्प है विनीत इस संस्करण में ये पहली टीम है जिसने 100 का आंकड़ा पार किया है। कल अगर आप देखें जो 4 लीग मैचेस थे किसी ने भी 100 का आंकड़ा पार नहीं किया तो बुलडोजर तो पहली टीम बनी है जिसने हाईएस्ट स्कोर है अभी तक जिसने 100 का आंकड़ा पार किया है। कर्नाटक का बुलडोजर कप्तान ने एक अच्छा शॉट मारा और एक और बाउंड्री 116 पर ले जाएगा उनका टोटल और ये चंद ही गेंदे बची हैं। इस वक्त ऐसी शॉट्स की बहुत दरकार है। देखिए बुलडोजर्स की हम हमेशा तारीफ करते हैं क्योंकि उनका जो बैटिंग है उसमें ऐसे बल्लेबाज है जो इस प्रकार के शॉट्स खेल सकते हैं जो तीव्रता प्रदान कर सकते हैं इनिंग्स में और बड़ी टीम वही है। एक दिन किसी भी टीम का खराब हो सकता है, बड़ी बड़ी टीमें हार जाती हैं पर कैसे आप उठते हैं कैसे वापस आते हैं वो चीज अहम है। अपना एंगल बदलना चाहते हैं अब पहले सोचा था राउंड द विकेट आए ओवर द विकेट आते हुए निगाहें बिल्कुल गड़ी हुई हैं बीच में। अच्छे पार्टनर्स बनकर उभर रही हैं दोनों बैट्समैन और ये ऑफ साइड की तरफ शॉट स्लैम किया फंबल इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और सिंगल मिलेगा और 28 रन की साझेदारी हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाज 200 के करीब का स्ट्राइक रेट अभी मौजूद कर रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि अच्छी टीम की वही निशानी है कि आप कैसे वापस आते हैं। कहते हैं ना महानता कभी गिरने में नहीं है पर आप हर बार गिर के आप कैसे उठते हैं उसमें आपकी महानता है और बुलडोजर तभी इतनी बढ़िया टीम नजर आई है सीसीएल के लगभग हर संस्करण में। 2 बार खिताब भी जीता है 2 बार टाइटल भी जीता है और एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और फील्डर बॉल तक पहुंच पाएंगे और 2 फील्डर नाकामयाब एक दूसरे के ऊपर पाइल अप लाइक डोमिनोज और अनदर वेलकम बाउंड्री फॉर द बुलडोजर्स। वेल दिस इज अ फंबल ऑफ समवॉट एपिक प्रोपोर्शंस हर्टिंग ईच अदर इन द प्रोसेस ऑफ सेविंग दैट बॉल। Varun Badola and Navraj Hans collide into each other. We already have an injured Manoj Tiwari who's not coming back onto the field. And now these two going head to head against each other. Look like a wrestling bout than a field save. देखिए दोनों गेंद को फील्ड करना चाहे थे और टकराव हो गया। ओहो अब तभी थोड़ी मुश्किल में है कठिनाई में है दोनों ही हंस भी और वरुण बडोला भी कप्तान है मुंबई हीरोज के। आज इंजरीज भरपूर मुंबई इंडियंस को मिली हैं। वरुण बडोला वापस मैदान पर आ चुके हैं पर नवराज हंस वापस स्ट्रट करते हुए अपने डगआउट की तरफ और ये कोशिश करी बड़ा खेलने की पर डॉट बॉल बुलडोजर्स या एम्पायर की तरफ देख रहे थे सुदीप उनको लगा कि वाइड है पर ये देखिए नवराज की हम बात कर रहे थे थोड़ा लंगड़ाते हुए थोड़ी सी दर्द महसूस हो रही है या रनर ले सकते हैं बिल्कुल अगर बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो रनर का प्रयोग कर सकते हैं। इस बार अक्रॉस लाइन खेलेगा प्रयास करीबी था विकेट कीपर साकिब अभी भी अपील कर रहे हैं पर सुदीप को कोई फर्क नहीं पड़ता वो दौड़ी जा रहे हैं और वापस आएंगे तीसरे रन के लिए तो 3 रन और मिलते हुए लेग बाय के रूप में 10 ओवर की समाप्ति 125 पे 3 बुलडोजर्स। हम यही कह रहे थे कि 120-25 विनीत आज बन सकते हैं और वही हुआ एग्जैक्टली 125 बने हैं जी। पहला मुकाबला जहां पर 100 का आंकड़ा पार हुआ है और ये कप्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन एक अच्छे साझेदारी निभाते हुए वापस पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। 35 रन 16 गेंदों के द्वारा आए और 13 रन सिर्फ आखिरी ओवर में काफी मिस फील्ड्स देखने को मिली काफी मिस चांसेस देखने को मिले